अनदर माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हो? है ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे और हम भी खुश हैं। और आप लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? हम जो हैं आज मिलाद में जा रहे हैं, मिलाद की फुल तैयारी है और उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे लिए दुआ करें कि हम अपने जो भी ब्लॉग हैं वो सारे सही हों। और आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं हमारे ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं और हमारा ब्लॉग कैसा है। अब हम मिलाद में जाने वाले हैं, मिलाद में जाके आपको दिखाएंगे, वहाँ मिलाद होगी वो भी सुनवाएंगे थोड़ी बहुत, और जैसा भी है वो भी बताएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वहाँ। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी आके आपको बताएंगे। अभी तो हम मिला। और एक और बात बतानी है, हमने आज महावीर को अपने फ़ोन किया, उनकी नानी किया, तो वो तो ऐसे ना दादी को ना दादा को देख रहा है ना बड़ी फुप्पो को, सिर्फ मैंने आवाज दी महावीर दी जान कहाँ है, तो वो ऐसे खुश होके खिलखिला के देखने लगे कि देखो भाई दादी है। तो सब कहेंगे देखो दादी को कैसे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। मैंने कहा जाहिरी बात है दादी है, उसकी कोई मजाक बात थोड़ी है। हो सकता है अभी अरे हमारा बेटा लेके आ जाए महावीर को और शायद हम मिलाद में भी चला जाए वो, और शायद यहाँ पे घर पे रुक जाए छोटी बेटी के पास, क्योंकि छोटी बेटी नहीं जा रही है, बड़ी बेटी जा रही है मेरे साथ। अब वहां जा रहा है, वहां पे मेरी हमारी बहन भी होगी, दोनों बहनें होंगी, बड़ी भावत जो है वो वहां जा रही है, हमारी खाला की सास की बहुत तबीयत खराब है वो वहां जा रही है, तो और छोटी वाली भावच हमारी यहाँ पर होंगी, उनसे आपको अगर वो फेस रिवील करवाना चाहेंगे तो कर देंगे, नहीं तो फिर आगे चल के दिखा देंगे उन्हें। और अपनी छोटी भतीजी से भी मिलवाएंगे, छोटे भाई की छोटी बेटी से, क्योंकि बेटा नहीं आया, बेटा अपनी नानी के रुका हुआ है, बेटी आई है तो बेटी होगी तो उससे भी आपको मिलवाएंगे, और हो सका तो मिलाद का भी दिखाएंगे आपको, मिलाद सुनवा देंगे। अब हम चलते हैं, अल्लाह। मिलाद में आए हुए भाई हमारी परिचय है, आपने मिलाद तो सुनी होगी, उन्होंने खाने काबा का फलाव और ख्वाजा अजमेर की चादर ये सब आपको ज्यारत करवाई है। आप बताए कैसा लगा, खाना लगने वाला है? बाकी किसी की बना नहीं सकते, अभी बाद में दिखाते हैं। अम्मी की फुफीजाद बहन भी है और ये मिलाद भी पढ़ती है, इन्होंने मिलाद भी पढ़ी थी और आपको सुनाई मिलाद कैसी लगी आपको। और जरा ये जहेज देख ले, इनके भतीजे की शादी है तो उसका ये सब जहेज है, जहेज भी आप सब देख ले। अरे दादी, हाँ दादी का पोता तो ले लो भाई, दादी का पोता तो लो, दादी का पोता नहीं आएगा ब्लॉग में, ब्लॉग में आएगा दादी का पोता। ओ दादी, दादी की जान है। थोड़े से देखिए आप महावीर के दादा महावीर को खिला रहे हैं। महावीर हम वहाँ से घर आ चुके हैं मिलाद से। दादा का बेटा, दादा की जान, दादा। महावीर, महावीर पप्पो जानी, महावीर की पप्पो जानी कहाँ है? महावीर की पप्पो जानी है, बड़ी पप्पो जानी है, छोटी पप्पो कहाँ है? महावीर दादा के साथ खेल रहे जो कि अपने
ये देखिए गुल्लू मामा है, जो के बताया था कि उनकी वाइफ अभी अपनी मेके रुकने गई हुई है, जो के बताया था हमने उनकी वाइफ मेके रुकने गई है। ये देखिए वो आ गई है, उनकी छोटी सी प्यारी सी बेटी है ये परिवश। अभी इनका बेटा नहीं आया, वो अपनी नानी के ही है। ये मोबाइल देख रही हैं वो, ये हैं, ये हमारी छोटी मामी है। ये कल ही आई है वहाँ से अपनी अम्मी के यहाँ से रुक कर, तो इन्हें भी हमने बोला था हम आपको ब्लॉग में दिखाएंगे, सबसे मिलवाए छोटी मामी है, इनसे भी मिलवा दिया आपको। ये देखिए तो ये लोग भी हमारे घर आ चुकी हैं, अभी अभी आएंगे घर। महाबीर को खिला रही हैं, जो कि महाबीर इनके पास जाते ही रोने लगता है, ये परेशान, इनके पास छुप ही नहीं होता है महाबीर, हमारा बब के पास रोता ही रहता है। तो आप इसी तरीके से हम दिखा रहे हैं, ब्लॉग को हम एंड करने जा रहे हैं। अच्छा, ये हमने सबको आपको दिखा दिया, वहाँ महफिल भी दिखाई, मैं मिलाद वाली से भी मिलाया, दो और थी मिलाद वाली वो चली गई थी, हमने खाने काबा का खिलाफ उसका भी ज्यारत कराई है, और ख्वाजा अजमेर साहब के जो चादर थी वहाँ उसकी भी ज्यारत कराई, और वहाँ का नक्श था वो भी दिखाया है आपको, आप भी उसकी ज्यारत कीजिएगा, और अल्लाह पाक से जो दुआ मांग सकते हैं मांग लीजिएगा, हमने तो बहुत मांगी, दिल भर आया। अल्लाह आप लोगों की भी हर ख्वाहिश हर मुराद हर बीमारी दूर करे, अल्लाह आपके कारोबार में खैर बरकत अता करे, अल्लाह सबके कारोबार में खैर बरकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे मुल्क की बिलखसूस हमारे मुल्क की मैशियत अच्छी कर दे, हमारा मुल्क खूब तरक्की करे, और हमें अच्छे हुक्मरान दे हमारा खूब, या अल्लाह हम सबको और हमारे मुल्क को खूब भले भूले खूब खुशहाल रहे, या अल्लाह हमारे पाकिस्तान को बहुत अच्छे मेयार पे ले आए, क्योंकि कायदे आजम ने जो बुनियाद रखी थी अल्लाह पाक उस बुनियाद को बहुत अच्छी और बहुत तरक्की और बुलंदी पे ले जाए, आमीन। अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज।